बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? टुडे वी सॉल्व द पेज नंबर 50 एंड 51। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पैराग्राफ है आपका, इसको आप ऑल्टरनेटिव वर्ब, जो आपके ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनके आपने ऑल्टरनेटिव वर्ब जो सेम मीनिंग वाले होंगे वही इधर लिख के तो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? अ यंग शेपर्ड वाज सिटिंग ऑन अ हिल साइड ईटिंग हिज लंच। अब ईटिंग का आप हैविंग भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे उसका ऑल्टरनेटिव वर्ड जो है वो हैविंग आएगा। और नेक्स्ट है इसका लोनली। लोनली मीन्स होता है तन्हा। अब अगर मैं फुल पैराग्राफ पढ़ूँगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है? तो आप ऐसे ही आप पैराग्राफ खुद भी रीड करेंगे, और अभी मैं आपको सिर्फ इनके वर्ड्स के जो साइनोनिम्स हैं वो बताऊँगी, और इसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। लोनली मीन्स होता है तन्हा, सॉलिटरी भी तन्हा होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव जो है वो सॉलिटरी यूज़ करेंगे। लार्ज, लार्ज बर्ड, बिग, ठीक है? अफ्रेड कहते हैं खौफजदा को, तो आप फ्राइटेंड इसका जो है वो अल्टरनेटिव वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। शेकिंग, ट्रैम्बलिंग, कांपना। जम्प्ड फॉरवर्ड, मूव्ड क्विकली, मूव्ड क्विकली। टुक, गॉट। फ्रेंड, मेट और वेल विशर, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे भी ताकि आपके इसको जो थीम है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है? और साथ में आप उनकी जो अल्टरनेटिव वर्ब्स जो मैंने आपको भी फिल करवाएँ या आपने लर्न भी करने हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटर्मिनर्स। आपने जो आपको दिए गए यहाँ पे डिटर्मिनर्स, इनमें से आपने किसी एक को चूज़ करना है जो भी करेक्ट होगा उसको। आई हैड डैश फ्रेंड्स इन लाहौर सो आई मूव देयर। अब नन, अ फ्यू या फिर फ्यू, नन ऑफ द अबव। नन मीन्स कोई नहीं, तो अगर कोई फ्रेंड नहीं था तो मूव करने की ज़रूरत क्या थी। आ फ्यू मीन्स होता है चंद एक, और फ्यू जो होता है इसका मतलब होता है ना होने के बराबर, तो आप आ फ्यू लगाएंगे। मीन चंद एक दोस्त थे लाहौर में, सो मैंने वहाँ मूव किया। डैश द स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, नन ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए, नो द स्टूडेंट भी नहीं आ सकता और नन द स्टूडेंट भी नहीं, नन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से किसी ने नहीं पास किया तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर डैश ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, बिकॉज ईयर्स जो है वो काउंटेबल है, तो अ लॉट ऑफ और मच नहीं आएगा इसके साथ, तो मैनी लगाएंगे आप। वी हैव यू वॉच्ड द मूवीज, हैव यू वॉच्ड डैश दीज मूवीज, एनी ऑफ, एनी ऑफ लगाएंगे, सम ऑफ और एनी नहीं आएगा। पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वर्स, मैनी पीपल, लॉट ऑफ भी नहीं आएगा और नन ऑफ भी नहीं आएगा। मैनी पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वर्स। तो ये आपका पेज नंबर 51 भी हो गया और 50 भी, ठीक है? तो ये दोनों आपने लर्न करने हैं जो अभी आपने सॉल्व किए हैं, और साथ में आप लोगों ने जो आपकी इंग्लिश पी में है स्टोरी आप लर्न करेंगे। द टेलर एंड द एलिफेंट, द टेलर एंड द एलिफेंट। जैसे कि मैं डेली आपको बताती हूँ कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये आपने जो है मैट्रिक वाली ग्रामर की बुक से आपने लर्न करने हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से इसी कंपोजिशन और ग्रामर वाली जो बुक है आपकी, यहाँ से आप जो है वो लर्न करेंगे ये स्टोरी टेलर और एलिफेंट वाली। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोग तवज्जो दे रहे होंगे अपने लेसन पर, इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़, टिल टुमारो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।